इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पिछले एक हफ्ते से जो परेशानी वालिदैन को उठानी पड़ रही है, इसलिए कि ऑटो रिक्शा का जो बंद का ऐलान ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन की जानिब से किया गया है, उसका आज भी बंद का ऐलान बरकरार रहा और तमाम वालिदैन, जो बच्चों के वालिदैन हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा, परेशानी उठानी पड़ रही है, कि उन्होंने भी आज डिसकंपाउंड में वो इकट्ठा हुए और अपनी बात को उन्होंने रखते हुए ये कहा कि जिस तरह से दूसरे गाड़ियों में भी, गाड़ियों की कैपेसिटी से भी ज़्यादा, यानी कि उसकी कुव्वत से भी ज़्यादा जब लोगों को भरा जाता है, तो इनको सिर्फ 6 लोगों का जो एक इतने ही बच्चों को बिठाना है, इस पर कई सारे लोगों ने एतराज़ किया और उन्होंने डीसी को मुतालबा पेश करते हुए ये भी कहा और आगे चलकर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन ने एसपी और कमिश्नर की तरफ भी अपना मुतालबा पेश किया कि उन्हें ज़्यादा लोगों को ऑटो रिक्शा में डालने की, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा लोगों को बिठाने की परमिशन दी जाए, इनकी इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों, यानी कि कई सारे बातों को आवाम के सामने रखा, उसमें खासकर जो बस है और टेम्पो हैं उसमें कुव्वत से ज़्यादा लोगों को भरा जाता है, जब उन पर एतराज़ नहीं किया जाता तो फिर स्कूली रिक्शा वालों पर ही क्यों उन जो है ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि इतने ही बच्चे रखे जाए, ताकि बच्चों की तहफ़ का उन्होंने वहाँ पर बात कही। लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन ने इस बात को रद्द करते हुए कहा कि अगर हम सिर्फ 6 बच्चों को लेकर जाएंगे तो हमारा गुजारा किस कदर होगा। वहाँ पर मौजूद वालिदैन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये परेशानी ख़त्म हो जाए। हम सभी जानते हैं कि पूरे बेलगाम शहर में पिछले जो हफ्ते से एक ये मुस्तकिल एक परेशानी उठानी पड़ रही है कि वालिदैन को, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बच्चों की ज़्यादातर देखभाल ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही करते हैं, क्योंकि घर के अंदर कम और वो स्कूल में ज़्यादा रहते हैं, तो एक तरह से वो वालिदैन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, लिहाजा इन्हें ज़्यादा सख्ती न बरतते हुए इनके ऊपर इस तरह से नए नए कानून को लागू न कर दिया जाए ताकि परेशानी सभी को न उठानी पड़े। और रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन का भी यही कहना है कि हमें सिर्फ 6 बच्चों की जो सख्ती बरती जा रही है कि नहीं, इतने ही बच्चों को आप इसमें जो है वर्दी के ज़रिए से स्कूल ले जा सकते हैं और स्कूल से वापस ला सकते हैं, तो इसे कहीं तो भी रियायत देते हुए 8 या 10 तक करने की मांग की। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मांग को मान लिया गया है, हो सकता है कि कल से फिर से जो है ऑटो रिक्शा शुरू किए जाएँ, अभी तक पूरी तरह से वाजह नहीं हुआ है। बहरहाल ये आज मसला हल होता नज़र आ रहा था, क्योंकि आज उन्होंने कमिश्नर के पास भी अपनी बात रखी और डीसी कंपाउंड में कई सारे वालिदैन वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी इस मसले को जल्द हल करने की मांग की। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आज जो हम डीसी कंपाउंड में एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे, आज हमारे बच्चों के लिए हम पेरेंट्स बहुत ही चिंताजनक हैं। ये बात है कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए लिमिटेड स्टूडेंट्स किए गए हैं स्कूल ऑटो ड्राइवर्स के लिए, जबकि ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स की आमदनी इतनी कम होती है कि अपने 2-3 बच्चों को 1-1 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक का विषय है। और रही बात हमारे ऑटो ड्राइवर्स भाइयों की, ऐसे है कि हम अपने बच्चों का ख्याल हम बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं, हमारे पास कोई है हमारे बच्चों को सही सलामत लेके जाएगा और लेके आएगा, तो वो उनका ऑटो ड्राइवर। ಏನು ಮೀಡಿಯಂ ನಡೆದಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು 8 ರಿಂದ 10
ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಅವರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಔರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಏಕ ಆಠ ದಿನ ಸೇ ಬಹುತ್ ಖರಾಬ್ ಹಾಲ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ ಕಾ ಜೋ ಯೇ ನಿಕಲಾ ಹೈ ಮಸಲಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಹಮ್ ಇಧರ್ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹಬ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಭಿ ಆಯೇ ಸೋ ಪೂರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಭಿ ಆಯೇ ಸೋ ಹೈ ಡ್ರೈವರ್ ಭಿ ಆಯೇ ಸೋ ಹೈ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಏಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೆ ಇನ್ಕಾ ಮಸಲಾ ಪೂರಾ ಹಲ್ ಕರ್ನಾ ಸಾರಾ ಯೇ ಹಮಾರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಆಪ್ ಸೇ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ತರಫ್ ಸೇ ಭಿ ಹೈ ಔರ್ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆ ಹಮ್ ಇಜ್ಜತ್ ಕರ್ದೇ ಹೈ तो एक हमारा मसला क्या भी करके आप जरा एक मीटिंग लेके हल किया है. ये सिस्टम को कौन सुधारने वाला, ये सिस्टम को कौन सुधारने वाला? हम पब्लिक सुधारना, हम अपना घर चलाना, बीवी बच्चों को देखना या सिस्टम को सुधारना हमारा काम है. कहाँ है पुलिस, कहाँ है आरटीओ डिपार्टमेंट? क्या अपने कैबिन में बैठ के सोते हैं? वो इतने इतने सीट डाल के, ये शर्म की बात है कि एक एक्टिवा के ऊपर चार बच्चों को बिठा के लाया है आदमी है, फिर भी पुलिस वाला उसको केस नहीं दे रहा, उनके तारीफ कर रहा है कि ऑटो में मत भेजो, आप एक्टिवा पे लेके आओ. ये है इंसाफ? ನಾನು ಲೋಕೇಶ್ ತಲ್ಲೂರು ಅಂತ ಪಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂಚಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಏನಾಗೈತೆ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಲಕರಿದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಆಟೋದವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಾಗತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟೋದವರು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಜೀವ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. ನಮಗೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೀವ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲಕರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ.